को लेकर आज एक्शन प्लान तैयार किया गया है सर, किस तरीके से, कितने लेयर पर ये काम शुरू किया? भिक्षुक मुक्त शहर के संबंध में केंद्र सरकार ने भी कार्य योजना पर कार्य करने निर्देश सभी पूरे देश की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिए हैं। कहीं ना कहीं भिक्षुक के संबंध में जो स्थिति बड़े शहरों में निर्मित हो रही है चिंताजनक है। यहाँ भी जो NGOs वर्क कर रहे हैं, जिनसे कि लगातार फीडबैक जनप्रतिनिधिगणों को, हम लोगों को मिल रहे हैं, नगर निगम को मिल रहे हैं, वो ये मिल रहे हैं कि भिक्षुक माफिया सक्रिय रहता है। नशे का बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है। जो भिक्षुक माफिया कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग अपने नशे के, स्वयं के नशे के लिए और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बच्चों का गलत उपयोग हो रहा है, बच्चियों का गलत उपयोग हो रहा है, इसमें बुजुर्गों का उपयोग हो रहा है, और इसके लिए बहुत सारे फ्रंट्स में काम करने को है। बहुत सेंसिटिव इशू ये, इसमें जो व्यक्ति भिक्षुक में इन्वॉल्व हैं, इनको भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक इनके प्रति भी कार्य करने की ज़रूरत है। प्लस जो इस माफिया के रूप में जो इनसे कार्य करवा रहे हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उसमें नगर निगम सभी, जैसा कि केंद्र सरकार निर्देश दिए हैं, नगर निगम NGOs की नियुक्ति कर रहा है। NGOs के रहने से सॉफ्टवेयर टच जो रहता है उस पर भी कार्य होता है। जो लोग ऐसे पाए जाएंगे, उनको किस केंद्र में शिफ्ट करना है, उस केंद्र में जब शिफ्ट करेंगे तो उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सामाजिक न्याय विभाग हमारा 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को सूचना जाती है, उसकी वहाँ से आदेश होता है वहाँ से, तो वो सब लीगल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो वो सब व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कंजर टाइप के लोग, जो लोग चौराहे पे जबरदस्ती कांच में नॉक करके परेशान करते हैं लोगों को, उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके द्वारा कई घटनाएं भी की जा चुकी हैं, जहाँ कार के कांच खुले हुए थे। इन पर भी एक्शन लेना आवश्यक है। तो बहुत सारे फ्रंट पर चर्चा हुई है और किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा। DIG साहब थे, नगर निगम कमिश्नर थी, माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और अभी उसमें कुछ वर्क करना है हम लोगों को, और फिर एक बैठक और होगी, फिर इसमें हम लोग गंभीरता से कार्य शुरू करेंगे।